नमस्कार, मैं हूं मंगल सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। इस समय जालौन से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस पर अज्ञात बदमाशों का टूटा कहर। राट से मथुरा जा रही बस में तोड़फोड़ कर चालक व परिचालक के साथ की मारपीट, सवारियों में मची चीख पुकार। ये है, लगभग कितनी देर हो गया आपको यहाँ नीचे बैठे हुए? एक डेढ़ घंटे हो गया। कोई और साधन तो मिला नहीं आपको? काफ़ी परेशानी हो रही होगी आपको, बच्चे बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। अब शासन की ओर से कोई और व्यवस्था कराएगी ये क्या आप लोगों को कहीं जाने के लिए? कुछ आश्वासन दिया गया क्या? अभी नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के जालौन में परिवहन निगम की बस पर अज्ञात बदमाशों ने हमला बोल दिया। राट से मथुरा जा रही बस में तोड़फोड़ की, चालक परिचालक के साथ की मारपीट और बस में तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ मारपीट के बाद बैठी सवारियों में मची चीख पुकार। राट से मथुरा जा रहे थे, क्या माजरा हुआ है आज आपकी गाड़ी में? मैं जालौन से ऐसे ही निकला, एक साइड काम चल रहा है जी, उधर से 8-10 गाड़ी रैली की, रैली ब्राह्मण रैली को जैसे नाम लिखा था जी, जैसे निकली तो इसका पीछे से थोड़ा उसमें टच हो गया हुआ गाड़ी में जी। तो ये निकल आया वहाँ से, तो पीछे से जो गाड़ी पीछे लगा के चले आया पीछे, यहाँ आके आगे खड़ी करके मारपीट करने लगे गाड़ी वाली को। अच्छा, लगभग आप लोगों ने गाड़ी का नुकसान किया है और आपके चालक महोदय कहाँ हैं? चालक महोदय को साथ में ले गए जी, साथ में ले गए मारपीट करके, मारपीट करके आपके चालक को साथ में ले गए? हाँ, साथ में ले गए। और गाड़ी की शीशे भी तोड़े हैं? हाँ, गाड़ी की शीशे तोड़ दिए, काफी नुकसान कर दिए। सवारियों के साथ भी हाथापाई हुई है क्या? सवारियों के साथ नहीं। लगभग कितनी सवारियाँ थी? 60-62 सवारियाँ। कोई सवारी चोटिल तो नहीं? कोई नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम चित्र। अच्छा, कहाँ से जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे आप? इटावा जा रहे थे। तो आपने देखा बस में क्या घटनाक्रम हुआ है? ब्राह्मण महाशिवा की रैली हो रही थी जी, जो चालक था उसने गाड़ी को टर्न लिया जी, पीछे साइड से कहीं उसकी टच हो गई किसी कार में जी, तो इसी किसी से उन्होंने गाड़ी डाल दी और ड्राइवर अपना प्राण बचाने के लिए उसने भगाना चालू कर दिया जी। और उसके बाद यहाँ उन्होंने आगे गाड़ी करके खड़ा करके और मारना चालू किया। मैं तो आगे सीट पर बैठा था जी, ईट पत्थर मारे तो हम रोक के बच्चों को बचाने का काम किया जी, फिर भी फोर्स का है, हम लोगों के पीछे पत्थर भी लगा। आप लोगों को भी पत्थर लगा है? वो भाई साहब को भी लगा। अच्छा, हम लोग आगे ही थे जी, हम लोग बच्चों को बचाने के लिए एकदम बच्चों के ऊपर हो गए। अच्छा, वो लोग अपना करते रहे, हम लोग चिल्लाते रहे, मान जाइए बच्चों को चोट आएगी, उन्होंने कुछ नहीं सुना। अच्छा, हमलावर लगभग कितनी संख्या में होंगे? हमलावर होंगे लगभग 5-6 गाड़ी थी, 30-35 लोग होंगे। 30-35 लोग होंगे। तो चालक परिचालक की क्या कंडीशन है? उसको तो बहुत पीटा ड्राइवर को, उन्होंने लाठी डंडों से पत्थरों से फेंक के मारे जी, घसीट के ले गए जमीन से, खींच के ले गए गाड़ी में डाला। अच्छा, अभी परिचालक कहाँ हुआ है? उसकी जानकारी नहीं। मतलब ये लोग अपने साथ डाल के ले गए क्या? जी जी, अपने साथ ले गए। अब कहाँ ले गए ये? आनन फानन में सवारियों और राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। सूचना मिलने पर डायल 112 तथा स्थानीय पुलिस पहुंची मौके पर और मामले की जांच में जुटी। परिचालक की अगर माने तो अज्ञात दबंगों ने मारपीट तो की ही, साथ ही चालक को भी अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। मामला जनपद जालौन का उरैया स्टेट हाईवे का है। जी, वो हमला ठीक है, पर यहाँ बस डेपो की जो ये जिम्मेदारी है जी, यहाँ पर ये लेडीज लोग खड़ी है जी, अभी तक एक बस अवेलेबल नहीं कराई। वो बस भरकर आई थी, उसमें पूरी सीटें भरी हुई थी जी, यानी ये बच्चे लोग यहाँ लोग हम लोग भूखे पैसे खड़े हैं लगभग 2 घंटे से। पुलिस प्रशासन ने भी कुछ नहीं बोला हमको जी, भैया तुम्हारी कुछ मदद के लिए जी। इस बात का मेरे को वो है, वो झगड़ा हुआ वो ठीक है, वो क्योंकि ड्राइवर की उसमें गलती थी, ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोका तो उसने उन्होंने फिर उसके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन ये मेरे बोलने का मतलब था कि यहाँ का जो बस डेपो है उन्होंने उस पर कड़ी यानी आना था और यहाँ पर कम से कम व्यवस्था तो कराना था कि भैया यात्री लोग अपने परेशान हो रहे हैं, रोड पर है, पुलिस वाले जो लोग हैं इन लोगों ने कुछ फ़ोन करना चाहिए था। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, वो बोल रहा है जब से कंडक्टर साहब को हम बोल रहे हैं अब तक आया नहीं है। जिला जालौन से ब्यूरो चीफ राजकुमार दौरे के साथ कैमरामैन आशीष सरकार की रिपोर्ट।